बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की है, उर्दू मीडियम, और चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, और इसकी एक्सरसाइज 2.4 हमने स्टार्ट करनी है। बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कुव्वत नमा के कवानीन की मदद से। बच्चों, ये वाले कुव्वत नमा की कवानीन की मदद से मदरजा जेल को मुख्तसर करें। और बच्चे, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का जोज नंबर 1 ले लिया। बच्चों देखो, इसके अंदर पावरें किसके अंदर आ गई, नेगेटिव के अंदर। आप इस तरह कर लें, सबसे पहले इन पावरों को पॉजिटिव के अंदर कर लें। तो बच्चों, पॉजिटिव के अंदर करेंगे, बच्चों ये मसावी यहाँ पर इसी तरह आ गई, ये 1 ऊपर, फिर 1 रह जाएगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा था भी, अगर ए की ताकत माइनस एम आ जाए ऊपर 1 लगाकर, नीचे ये ताकत क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की। हमने ये कवानीन पहले स्टडी किया हुआ है। तो बच्चों, ये हमारे पास 243 की ताकत, ये ताकत नेगेटिव की है, नीचे आके ताकत क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की। बच्चों, ये ताकत नेगेटिव की है, नीचे आके ताकत क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की, 1/5। इसी तरह बच्चों, ये जजर इसी तरह आ गया। बच्चों, ये ताकत नेगेटिव की है जजर के अंदर, नीचे आके ताकत क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की, नीचे आके ताकत पॉजिटिव की हो जाएगी। इसी तरह बच्चों, अब क्या करेंगे, 243 और 32 और 196 का हम क्या कर लेंगे, पहले तज्जी कर लेंगे। बच्चों क्या करेंगे, तज्जी, सबसे पहले आपने 243 की तज्जी कर लेनी है, 3 के टेबल पे, 3 8 24 और 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। इसी तरह बच्चों, हम किसकी तज्जी कर लेंगे, 32 की, 2 के टेबल पे, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। इसी तरह बच्चों, हम क्या करेंगे, 196 की भी क्या कर लेंगे, तज्जी कर लेंगे। इसी तरह बच्चों, 2 के टेबल पे, 2 2 9 18, 2 8 16। इसी तरह बच्चों, फिर 2 के टेबल पे कैंसिल करेंगे, 2 4 8 और 2 9 18। अब बच्चों, 7 के टेबल पे कर लेंगे, 7 7 49, 7 1 7। तो बच्चों क्या करेंगे, 243 की भी तज्जी कर लेंगे और 32 की भी तज्जी कर लेंगे और 296 की भी तज्जी कर लेंगे। तो बच्चों, मसावी फिर यहाँ पर इसी तरह 1 आ गया। इसी तरह 243 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 3 की ताकत 3 मल्टीप्लाई 3 की ताकत 2। तो बच्चों, ये ताकत 5 ही हो जाएगी, देखो ना, 1 2 3 4 5, 3 की ताकत 3 लिख दें, फिर 3 की ताकत 2, ऊपर सारे होल की ताकत 2/3। इसी तरह बच्चों, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 2 की ताकत 5, ऊपर सारे होल की ताकत 1/5। इसी तरह बच्चों, ये 1 इसी तरह आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 2 की ताकत 2 मल्टीप्लाई 7 की ताकत 2। बच्चों, ये 1 इसी तरह आ गया, और जजर की कीमत हमें, जजर की ताकत का पता है कितनी, 1/2 है। बच्चों, जजर की ताकत कितनी है, 1/2। बच्चों, 96, 2 की ताकत 2 और 7 की ताकत 2। तो बच्चों, इसी तरह आप क्या करेंगे, इस ताकत, ये ताकत इन दोनों नंबर की ताकत है, अलग अलग ताकत कर देंगे, 1 इसी तरह आ गया, 3 की ताकत 3 मल्टीप्लाई 2 की ताकत 2/3। इसी तरह फिर मल्टीप्लाई 3 की ताकत 2 मल्टीप्लाई 2/3। इसी तरह बच्चों, ये 2 की ताकत 5 मल्टीप्लाई 1/5। इसी तरह बच्चों, ये 1 की ताकत 1/2 ओवर 2 की ताकत 2 ऊपर 1/2। बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह बच्चों, 7 की ताकत 2 जरबे 1/2। बच्चों, इस पावर, इन दोनों नंबर के ऊपर लैदा लैदा ताकत लिख देंगे। तो बच्चों, ये 3 ताकत 3 के साथ कैंसल, तो बच्चों ये 1 इसी तरह आ गया, ओवर 3 की ताकत 2 आ गया हमारे पास, ये ताकत 2 बच गई इसकी।
इसी तरह बच्चों ये दो दुनी चार, थ्री की ताकत चार ओवर तीन। इसी तरह बच्चों फाइव फाइव के साथ कैंसल, टू आ गया, वन की ताकत वन बाय टू वन के बराबर ही है। बच्चों वन बाय टू का मतलब जजर होता है, वन का जजर वन के बराबर ही होता है। बच्चों ये टू इस टू के साथ कैंसिल, ये टू इस टू के साथ कैंसिल, तुम्हारे पास आ जाएगा टू जरबे सेवन। तो बच्चों ये टू इस टू के साथ है कैंसिल, तो बच्चों ये वन इसी तरह आ गया, हमारे पास थ्री की ताकत टू तीन, तीन नौ आ गया हमारे पास। इसी तरह बच्चों थ्री की ताकत चार बटा तीन। इसी तरह बच्चों ये नीचे क्या आ गया हमारे पास, वन ओवर सेवन। बच्चों ये वन ओवर सेवन है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा सेवन। बच्चों ये वन ओवर सेवन, ये वन इसी तरह आ गया, नाइन आ गया। हम इसको पावर को तोड़ के लिख देंगे, थ्री की ताकत वन और थ्री की ताकत वन ओवर थ्री। बच्चों ये फोर ओवर थ्री है, देखो ना इस ताकत को तोड़ के लिख देंगे, फोर बाय थ्री, वन प्लस वन ओवर थ्री। जब बच्चों इसकी तजी करेंगे, तीन एकम तीन प्लस वन, तीन एकम तीन, तीन के साथ कैंसिल, वन आ गया, चार बटा तीन आ जाएगा। बच्चों ये चार बटा तीन है ना, मैं इसको लिख सकता हूँ वन प्लस वन बाय थ्री, तो वन पावर लैदा कर दूंगा और थ्री की ताकत वन बाय थ्री लैदा कर दूंगा। तो बच्चों ये वन ओवर सेवन है, ऊपर जाके सेवन ओवर वन हो जाएगा। तो बच्चों ये नौ तिया सताईस, ये वन ऊपर सेवन को जब वन के साथ ज़रब करेंगे सात आ जाएगा। बच्चों नौ तिया सताईस आ गया। अब इसको दोबारा रेडिकल के अंदर लिख देंगे, जजर के अंदर। वन बाय थ्री का मतलब क्या, थ्री का रेड जजर का रेडिकल कितना हमारे पास थ्री है, इंटू थ्री, जजर के अंदर थ्री लिख देंगे। बच्चों ये वन बाय थ्री का मतलब क्या होता है, जजर, लेकिन जजर के साथ थ्री लगाना पड़ेगा, ये थ्री इसी तरह आ गया, तीन नौ सताईस आ गया। बच्चों ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। ये था बच्चों जोज नंबर वन। अब इसी तरह बच्चों जोज नंबर इसका टू करेंगे। बच्चों आपने ये कवानीन को इस्तेमाल करते हुए इन क्वेश्चनों को हल करना है, जोज नंबर टू। 2x की पावर 5, y की पावर -4, मल्टीप्लाई -8, x की पावर -3, y की पावर 2, y की ताकत 2। बच्चों इसको भी हमने क्या करना है, मुख्तसर करना है। बच्चों हमने ये पढ़ा था भी, इसको मुख्तसर कैसे करेंगे, 2x की पावर 5, y की पावर -4 इंटू -8, एक्स की पावर -3, वाई की ताकत 2। बच्चों सबसे पहले देखो दो नंबर आपस में, ये दो रकमें क्या हो रही हैं, आपस में ज़रब हो रही हैं, तो ज़रब कर देंगे, 8 × 16। बच्चों कितना आ गया, माइनस का 16 आ गया। तो बच्चों ये एक्स की ताकत 5 है और यहाँ पर एक्स की ताकत -3 है। इसी तरह बच्चों वाई की ताकत -4 है और वाई की ताकत 2 है। बच्चों हमने अगर बेस सेम है, पावर जमा, बेस सेम है, ज़रब के अंदर पावरें क्या हो जाएंगी, जमा, और इसको 8 × 16 कर लेंगे, माइनस का 16, एक्स की ताकत 5, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, जमा। बच्चों पावर जमा कर लेंगे, कैसे जमा करेंगे, प्लस माइनस 3। इसी तरह बच्चों वाई की ताकत -4 है, बेस सेम है, पावरें जमा होगी। तो इसी तरह बच्चों माइनस का 16, एक्स की ताकत प्लस का 5 है, माइनस का 3 है, प्लस का 2 आ गया। तो y इसी तरह बच्चों ये y की ताकत -4 है और प्लस 2 है, -4 प्लस 2, माइनस का 2 आ गया। तो बच्चों इसी तरह माइनस का 16, x की ताकत 2, और बच्चों ये y की ताकत नेगेटिव के अंदर है तो नीचे आके पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की, तो y की ताकत 2 होगी, लेकिन पावर पॉजिटिव के अंदर हो जाएगी। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर, ये था जोज नंबर टू। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखना।